जकारिया एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मलाड पश्चिम गांठो रोड स्थित कोली समाज हॉल में करीब 2500 गरीब बच्चों को फ्री नोटबुक और बैग वितरण का कार्यक्रम किया गया। जकारिया ट्रस्ट द्वारा लगातार 13 वर्ष से गरीब परिवार वालों को कभी अन्नदान, कभी छतरी वितरण तो कभी कंबल दान किया जाता है। जकारिया ट्रस्ट द्वारा करीब महीने भर की जांच पड़ताल के बाद गरीब बच्चों की लिस्ट तैयार की जाती है जिनको नोटबुक और बैग वितरण किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की मानसिक विकास की परीक्षा लेते हुए उनसे कुछ प्रश्न किया जाता है और प्रश्न के सही जवाब देने पर उन्हें गिफ्ट द्वारा सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक असलम शेख थे जिन्होंने बताया कि जकारिया ट्रस्ट मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जाकर गरीब लोगों की हर संभव मदद करता है। कार्यक्रम के आयोजक व संस्था के प्रमुख जकारिया लकड़ीवाला ने बताया कि जनता की सेवा करने में जो उन्हें आनंद आता है वो किसी और काम में नहीं आता है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सिराज अंसारी और संस्था के संचालक हिजी गाड़ा ने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम का होस्ट कर रहे भोजपुरी फिल्म के गरीबों के एक्टर कल्याण जाना ने जोरदार होस्टिंग कर बच्चों और पेरेंट्स का खूब मनोरंजन किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की विशेष रिपोर्ट। मैं देखता हूँ ये ट्रस्ट के सारे जो लोग हैं वो अपने बर्थडे के टाइम भी हो सके उतना गरीब बच्चों को, जो बच्चा पढ़ना चाहता है ऐसे लोगों की मदद में जो है अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन में से जमा हुआ पैसे भी वो आप लोगों के बीच में देते हैं। तो मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि जकरिया फाउंडेशन इसी तरीके से आगे अच्छा काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे, और ये पूरी यंगस्टर की जो टीम है ये इसी तरीके से मजबूत तरीके से काम करते रहे। 13वां एनुअल सालाना जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बैग, वाटर बॉटल और कंपास बॉक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था, और आज हमने तकरीबन 550 लोगों को बांटा है। जो बचा था वो भी जो हमने कुछ और बच्चे लोगों को बांट के जो है कुछ 600-700 बच्चे लोगों को पूरा किया है हमने। आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? आगे भी हमारा दूसरा प्रोग्राम अभी एक है मालोनी के अंदर में, जो इससे भी तकरीबन कुछ बड़ा प्रोग्राम है, तो वो अगले हफ्ते या उसके बाद के हफ्ते में हम करेंगे। तो भाई लगातार 13 सालों से आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम के पीछे मंशा क्या रही है, संस्था को कितना मजबूत बनाना चाहते हैं और संस्था को कहाँ तक लेके जाने की? संस्था को तो बहुत मजबूत बनाना है, संस्था मजबूत है ही, आप तो देख रहे हैं। संस्था मजबूत नहीं होती तो इतना बड़ा कार्यक्रम और 13 साल अभी नहीं होता था। संस्था तो बहुत मजबूत है और ये मजबूत आपकी दुआ से चलेंगे और भी करेंगे। और जो संस्था इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम करना चाहती है और हमको जो खुशी होती है, हमारे को इससे कोई बेनिफिट नहीं है बल्कि हमको खुशी होती है, हम लोगों को गरीबों को मदद करते हैं, इससे हमको अपनी खुशी होती है। जी अक्सर देखा जाता है हर कार्यक्रम के पीछे एक मंशा होती है, इस बार भी आपने कार्यक्रम किया, क्या मंशा आपके पीछे है? सत्यप्रकाश जी, हम 13 साल से करके आ रहे हैं, अगर मंशा होती तो अभी हम खासदार के, आमदार के, नगर सभा के इलेक्शन गए, हम लड़ सकते थे, मगर हमारा मंशा वो नहीं है। हमारा मंशा है सिर्फ सोशल सर्विस करना, लोगों की हेल्प करना। देखिए पीछे बैनर लगा हुआ है, इसमें जो कार्यक्रम किए हमने, जो लोगों को जो ब्लड डोनेशन कैंप है, बाद में हमारा जो है हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को जो है प्रोग्राम होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम करते हैं, कपड़े बांटने का प्रोग्राम करते हैं, अनाज वितरण होता है, जो है ठंडी के अंदर में जो है लोगों को, गरीब लोगों को कंबल बांटने का प्रोग्राम होता है, इस तरह से पूरे साल भर जो है हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। और आज भी जो हमने कम से कम 1500 से 2000 बच्चे लोगों को नोटबुक, वाटर बॉटल, बैग के बांटने का कार्यक्रम किया है। हर मंच पर असलम शेख को बुलाते हैं, बतौर विधायक क्या किस तरह की उनकी जो सेवा रहती करते हैं? वो हमारे साथ में है और हमेशा रहेंगे, और जब तक विधायक है और विधायक रहेंगे हमारे से जी मॉरल सपोर्ट है ही, वो हमारे वो आते तो हमको खुशी होती है कि विधायक हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमको इससे खुशी मिलती है कि आके हमारे प्रोग्राम में आके हमको ब्लेसिंग देके जाते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। कल से सेवा कर रहे हैं हम लोग, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, आप लोगों की दुआ रही तो। आज लगभग 1500 से 2000 लोगों को बुक्स बांटे हम लोगों ने, बैग्स बांटे, और काफ़ी लोग आए, सबको नाश्ते का प्रबंध किया था, नाश्ता मिला, सब मिला, अच्छे से गया, स्मूथली गया प्रोग्राम, आप देख सकते हैं आराम से सबको सब मिल रहा है। देखा जाता है कि हर किसी काम के पीछे एक मकसद होता है, आप इस ट्रस्ट को चलाने का मकसद क्या है, कितने सालों से चला रहे हैं, कितने लोगों अब तक लगा? ऐसे हम लोगों को देखा जाए तो 15 साल हो गया, 3 साल तो हम लोगों ने ऐसी सोशल वर्क की है, 3 साल बाद हम लोगों ने बैनर लिया, ट्रस्ट रजिस्टर किया और फिर उस तरीके से हम लोगों ने चालू किया। रजिस्टर के बाद 12 साल हो गया आज, 12-13 साल हो गया आज, हर तरह का प्रोग्राम करते हैं, राशन वितरण हो गया, बुक्स वितरण हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, जितना हम लोगों से होता है हम लोग सब करते ही है। कार्यक्रम आप मलाड में ही करते हैं कि मलाड के बाहर? मलाड में भी करते हैं, मलाड के बाहर भी करते हैं, जिधर हम लोगों को लगता है कि इधर ज़रूरत है हम लोग उधर चले जाते हैं, एरिया देख के काम नहीं करते। लोग
एक्चुअली देखा जाएगा 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन 2 साल रजिस्टर नहीं हुआ था, 13 साल से रजिस्टर किया है। अभी ये साल हम हर साल हम लोग बुक बांटते हैं। अभी हम लोग ने मलाड वेस्ट में बांटे लिबर्टी गार्डन में, अभी एक हफ्ते बाद मालोनी में बांटेंगे, और फिर 7 जुलाई को मेरे बर्थडे के दिन वो दिन भी हम लोग बांटेंगे वो। कार्यक्रम में किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, किस तरह की मदद करते हैं? हर तरह की मदद करते हैं, जैसे हम लोग जो फीस से मदद करते हैं, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, स्कूल बॉटल्स, और हम लोग बुक्स भी देते हैं, तो सब टाइप की मदद करते हैं। क्या मंशा क्या है, एक मन में ये होता कि क्यों करते हैं ये? हम लोग को अच्छा लगता है करने सोशल वर्क, कि हम लोग जाके कोई गरीब को हेल्प करें। ऐसा देखा जाएगा हम लोग का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन गरीब लोग के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तरह से काम कर रही है जकड़िया ट्रस्ट को मैं अभिनंदन देता हूँ। जो छोटे बच्चे यानी हम गरीब नहीं बोलेगा, लेकिन मध्यम वर्ग का जो है उसके लिए ये ट्रस्ट बहुत उपयोगी है, और छोटे मोटे काम के लिए उसके घर में कोई भी गया तो वापस नहीं जाते हैं। तो और संस्था को मैं सेलिब्रेट करता हूँ, और ऐसा समाज जो हुए एक एक बच्चे को एक एक परिवार को संभाल ले हुए, तो मेरे ऐसे नहीं लगता है कि अपन भारत के अंदर कोई गरीबी होवे या तो मीडियम वर्ग होवे। बच्चे लोग कितना प्यार भरा हुआ देखता है, उसका स्माइल देखो, छोटी मोटी चीज़ देने से भी उसको कितना आनंद आ रहा है। मतलब परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और समाज के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये संस्था को मैं बहुत खूब खूब अभिनंदन देता हूँ। मैं गोरेगाम का व्यापारी का अध्यक्ष हूँ, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी अध्यक्ष हूँ, पर पक्ष के साथ कोई मतलब नहीं है। मानवता वही बड़ी चीज़ रहती है, चाहे मोहम्मदन हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, सब भाई भाई अपन है। हिंदुस्तान के अंदर पहला हिंदुस्तानी है, बाद में अपन कास्ट में है, तो अपन भाई भाई के हिसाब से जो आज फंक्शन देखा, बहुत मेरे को खुशी मिली। बच्चे लोग के अंदर जो हंसी खुशी और आनंद देखा, और बुक बेचा, छतरी बेचा, दफ्तर बेचा, ऐसी छोटी मोटी बेचने से भी उसको कितना आनंद आता है। तो ये ट्रस्ट को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। ऐसा हमेशा के लिए ऐसा कुछ न कुछ प्रोग्राम करता रहे, ऐसे मैं अल्लाह के पास दुआ मांगता हूँ, और सब परिवार को रिद्धि सिद्धि खुशी आनंद और लक्ष्मी का वर्ष बढ़ता रहे, और सबको निरोगी भरा 100 वर्ष का आयुष्य देवे, ऐसी मैं अल्लाह के पास प्रार्थना करता हूँ। जितने भी मीडिया है, इन तमाम मीडिया का मेरा दिल से मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो मीडिया है जो लोगों को जीरो से हीरो बनाते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, इन सभी को मेरा प्रणाम है। और ये जो जकरिया लकड़ा वाला जो है, ये मेरा भाई है, 19 को मेरा शादी है, लेकिन मैं शादी छोड़कर, मतलब मेरा बहुत सारा काम था वो छोड़कर मैं आया हूँ। मैंने बोला वादा किया मैं आएगा, तो थैंक यू सो मच। हमारे जो ये खूबसूरत एनजीओ जिनका नाम है जकरिया एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं दिल से बधाई देता हूँ, जिन्होंने कम से कम 2000 बच्चों को बुक दान किया है, कम से कम 500 बच्चों को बैग दान किया है, और ऐसे काम वो करते रहते पूरे साल भर, इनको मैं बधाई देता हूँ। और साथ साथ में यहाँ पर हमारे मलाड के जाने माने MLA और सबकी दिलों के वो चहेते हैं, हमारे हाजी असलम शेख साहब यहाँ पर आए, उनके हाथों से बहुत सारे बच्चों को बुक दान किया गया, और उनका बहुत सारे ब्लेसिंग मिला। बच्चे लोगों को आज फादर डे है, तो मेरी फादर को, तमाम जितने भी डैडी है, इन सभी को मेरा हैप्पी फादर डे, और जितने भी यहाँ पर मेहमान आए थे, इन सभी को दिल से शुक्रिया। मेरा नाम है कल्याण जी जाना, लोग मुझे गरीबों के एक्टर कहते हैं, बाकी मेरे बारे में गूगल पर यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाएंगे। और मेरे आने वाले बहुत सारे फिल्म है, बहुत सारे काम है, मैं एंकरिंग करते रहता हूँ। भाई और बहनों, जिनको भी मेरी एंकरिंग अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप बुलाइएगा और मुझे काम दीजिएगा, क्योंकि कलाकारों को काम ही चाहिए, है ना भाई। थैंक यू सो मच मीडिया, थैंक यू सो मच जकरिया लकड़ा वाला।